बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन यंगस्टर्स के लिए जो छोटी मोटी जॉब्स कर रहे होते हैं या किसी कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है स्टडी के साथ, तो उनके पास कुछ अर्निंग्स होती हैं जो वो सेव कर रहे होते हैं, मंथली सेविंग वो रख रहे होते हैं। तो वो उनको ये नहीं पता होता कि उन सेविंग्स के साथ वो किस तरह से अच्छी इन्वेस्टमेंट करके अच्छी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। तो मुझे भी काफ़ी टाइम तक इन चीज़ों का नहीं पता था, हालांकि मेरा फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी इसके बारे में स्टडी भी की हुई है। लेकिन मोस्टली ये होता है कि स्टडी रिलेटेड आपके पास सारा नॉलेज होता है, यानी कि बुकिश नॉलेज आपके पास सारा होता है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें मार्केट में और इम्प्लीमेंट करके आप किस तरह से अच्छे रिटर्न्स लें, यानी कि अपनी स्किल को कैसे यूज़ करें आप और उससे अच्छा रिटर्न कैसे लें, तो ये मुझे भी पहले ये चीज़ नहीं पता थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सारे यंगस्टर्स के माइंड में है, जिस तरह से काफ़ी सारे यंगस्टर्स होते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहे होते हैं, छोटी मोटी सेविंग होती हैं उनके पास, लेकिन ये है कि उनको ये नहीं पता होता कि वो अपनी सेविंग्स को कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे उन सेविंग्स को ज़्यादा बढ़ाते जाएँ। तो उनको कहाँ कौन सी जगह पर इन्वेस्ट करें उनको ये चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो सेम केस मेरे साथ भी था, तो लेकिन ये है कि मैंने कुछ रिसर्च करने के बाद, कुछ दोस्तों से पूछने के बाद, मुझे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड मेरे पास सारा वो बुकिश नॉलेज मेरे पास सारा था, स्किल थी, लेकिन ये था कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसको यूज़ कैसे करूं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे तो कोई इसकी पब्लिसिटी भी इतनी नहीं होती, कोई एड्स में इतने नहीं आते। आप टीवी एड्स देखते हैं उसमें भी इतना आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड आपको अवेयरनेस नहीं दी जाती कि आप लोग कैसे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करें। तो जी मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप लोग किस तरह से अपनी सेविंग्स को, अगर आपके पास फाइनेंस से रिलेटेड कोई बुकिश नॉलेज है, आपने उससे रिलेटेड कोई डिग्री ली हुई है, तो उस स्किल को कैसे आप यूज़ करके अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। तो कुछ टाइम पहले तक मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने फिर उसके बाद थोड़ी रिसर्च की कि किस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज रन होती है। तो बुकिश नॉलेज तो मेरे पास सारा था कि कैसे कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है, किस तरह से अर्निंग पर शेयर को फाइंड करना है, किस तरह से पीई रेशियो निकालनी है जो जनरल रेशियोज़ हैं, किस तरह से इन्वेस्टर्स रेशियो निकालनी है, वो सारी मैंने बुकिश नॉलेज मेरे पास सारा था। लेकिन यह है कि किस तरह से प्रैक्टिकली मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना है वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो फाइनली मैंने उसको, मुझे एक फ्रेंड ने मुझे इसके बारे में गाइड किया कि आप ब्रोकर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट उसको अप्रोच किया मैंने ब्रोकर को, और कौन से ब्रोकर को अप्रोच किया आगे चल के मैं बताऊंगा और किस तरह से मैंने अकाउंट ओपन करवाया, तो वो आगे चल के मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी ये मैं आपको स्टार्ट से ये बताता हूँ कि फिर उसके बाद जब मुझे ये उस फ्रेंड ने बताया कि इस तरह से आप ब्रोकर, एक एजेंट होता है उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक एक्सचेंज में। इस टाइम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अप्रॉक्सीमेटली कुछ 600 कंपनीज हैं जो लिस्टेड है, तो उनको किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है, तो वो मुझे उसकी काफ़ी गाइडलाइन मिली उसके थ्रू, अपने फ्रेंड के थ्रू। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, मुझे काफ़ी चीज़ें पता लगी हैं, तो आज वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ कि जब मुझे उसने ब्रोकर का बताया तो मैंने फ़ौरन से ब्रोकर को अप्रोच किया। मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे ब्रोकर्स की लिस्ट ली, वहाँ से एक ब्रोकर चूज़ किया, उस ब्रोकर को मैंने अप्रोच किया, तो उसको मैंने कॉन्टेक्ट किया कॉल करके, तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म सेंड किया। तो उस फॉर्म बिल्कुल सेम था जिस तरह से आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, उस तरह का एक फॉर्म मुझे उसने सेंड किया, और मुझे उसने कहा कि आपको हमारे जो ऑफिस है वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक, जिस तरह से आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं उसमें बायोमेट्रिक की आपको चाहिए होती है, उस तरह से आपको बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी। खैर डॉक्यूमेंटेशन सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन थी, मैंने अपनी सोर्स ऑफ इनकम दी उनको, अपनी बैंक स्टेटमेंट दी और फॉर्म फिल किया, जनरल सा फॉर्म था जिसमें जनरल पर्टिकुलर्स आपको फिल करने थे, तो वो फिल किए सेम लाइक जिस तरह से बैंक अकाउंट ओपन होता है, उस तरह से मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब उन्होंने मुझे 3 से 4 दिन का टाइम दिया है कि आपको 3 से 4 दिन बाद आपकी ईमेल आईडी जो मैंने उनको फॉर्म में प्रोवाइड की है उस पर आपको वेरिफिकेशन, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं तो आपको एक
लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो उस ब्रोकर का नाम है आईजीआई सिक्योरिटीज के नाम से, मैंने एक ब्रोकर है उस पे मैंने इन्वेस्टमेंट की है। वो मुझे ईमेल करेंगे 3 से 4 दिन बाद, वो मुझे लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे जिसको मैं लॉगिन करके एक्सेस कर सकता हूँ कि मैं स्टॉक एक्सचेंज की जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनके शेयर्स परचेज करूँ और सेल करूँ। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में या मेरी ये जो प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे इस चैनल की जो प्लेलिस्ट हैं उसमें एक टॉपिक होगा वैल्यू इन्वेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैंने पी रेशियो के बारे में बताया, मैंने ईपीएस के बारे में बताया कि आप लोग ये जनरल सी रेशियोज कैसे फाइंड करें और किस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करके एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे। तो आगे चल के मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह से अपना बुकिश नॉलेज किस तरह से प्रैक्टिकली उसको यूज़ करके एक अच्छे रिटर्न्स लूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मेरी जिस टाइम ये आईडी और लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा तो मैं कोशिश किया करूँगा कि मैं आपको स्क्रीनशॉट्स और अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करके बताऊँ कि मैं और गाइडलाइन दूँ कि मैं कौन सा शेयर किस वजह से परचेज़ कर रहा हूँ और मुझे क्यों लग रहा है कि ये शेयर की प्राइसेस ऊपर जाएंगी और मुझे प्रॉफिट होगा। तो यंगस्टर्स को मैं दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी सेविंग्स को बिल्कुल भी बैंक में ना रखें, उसको सेव करके ना रखें, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करें। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यही होगा कि एक तो आपके पास स्किल आएगी, जिस तरह से आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास एक जिस टाइम आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके बाद जब आप उस पर रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे और प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से मार्केट में चेंजेस आ रही हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोग प्रैक्टिकली किस तरह से काम कर सकते हैं और उस पर अच्छे रिटर्न्स कैसे ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो काइंडली मैं सबको यही मशवरा दूंगा कि बैंक्स में पैसे ना रखें या सेविंग कहीं अपने सेफ में ना रखें, उसको यूज़ करें। काफ़ी टाइम पहले तक मैं भी यही करता था, बैंक में अपनी सेविंग रख देता था, थोड़े थोड़े पैसे जो सैलरी से मेरे सेव हो रहे थे मैं अपने बैंक में रख देता था और मुझे ये आइडिया नहीं था मैं किस तरह से उसको इन्वेस्ट करूं किसी अच्छी जगह पे। तो आप लोगों से अभी नेक्स्ट जो वीडियोस में बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कंप्लीट आपको अपने बारे में बताऊं कि किस तरह से मैंने स्टार्ट, मुझे बुकिश नॉलेज है और मैं किस तरह से अपने बुकिश नॉलेज को कन्वर्ट कर रहा हूं प्रैक्टिकल नॉलेज में, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में। तो काइंडली आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल नया चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरी बोलने की क्वालिटी, मेरी वीडियो की क्वालिटी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इम्प्रूव होती जाएगी। तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।